दोस्तों, फोटोग्राफी का तो हर किसी को शौक होता है, लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्हें यार वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत मजा आता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। वैसे दोस्तों, इस बजट के अंदर जो भी स्मार्टफोन्स आपको मिलने वाले हैं वो कोई नए स्मार्टफोन नहीं होंगे, वो थोड़े से पुराने ही होने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वहाँ पर हमें मैक्सिमम फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो गाइज यार, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और भाई, मैं पहले आपको ये बता दूं यार कि हमने यहाँ पर कोई भी रैंकिंग वगैरह नहीं की है। आपको यहाँ पर सिर्फ 4 फोन्स मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें भाई वीडियो रिकॉर्डिंग तो अच्छी चाहिए ही, साथ ही साथ EIS जैसे फीचर्स हो, और तो और ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड भी उन्हें परेशान ना करें। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G60। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी दी गई है। इन सभी के अलावा ये फोन थोड़ा सा हैवी जरूर है, क्योंकि स्मार्टफोन का वेट है 225 ग्राम और साथ ही में ये फोन आपको मिलता है लगभग 10 mm की थिकनेस के साथ में। सो देखा जाए तो थोड़ा सा बल्की जरूर आपको मिलेगा। इन सभी के अलावा अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये फोन आता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, 3.5 mm का जैक आपको फोन के अंदर दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो ऑडियो भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाती है। कार्ड ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट दिया गया है, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें भाई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये फोन आता है एंड्रॉयड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों फोन के अंदर, वो आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल की मिलती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है ऑलमोस्ट 7 inches की डिस्प्ले। जी हाँ गाइस, 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले आपको फोन के अंदर मिल जाएगी, साथ ही में अप टू 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर दिया गया है, और इन सभी के अलावा HDR10 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले काफ़ी अच्छी दी गई है, साथ ही में गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आती। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है, हालांकि डे लाइट में फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहां पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है भाई आज के समय पर, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं वहां पर हमें ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां पर आप बैक कैमरा से 120fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अल्ट्रा HD पर, और सेल्फी से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30fps। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। पारी आ चुकी है फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने का। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, जो कि दोस्तों 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें आपको यहां पर काफी कम मिलती हैं, कि आज के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन औंधत्व पर स्कोर करता है लगभग 3.5 से 3.5 लाख के आसपास में, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर है। सो डेली टास्क और गेमिंग दोनों में ही आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। से आपको यहाँ पर UFS 2.1 का स्टोरेज भी मिल जाएगा, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट निकाल कर देता है। तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो दोस्तों फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का अच्छा दिया गया, लेकिन चार्ज होने में थोड़ा सा समय लेता है। बात कर ले प्राइसिंग की दोस्तों, तो 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,999 रुपये। वैसे अगर आप 15,000 रुपये तक नहीं लगा सकते हैं, आपका बजट यहाँ पर 13,000 रुपये का है, तो आप यहाँ पर मोटो के G40 फ्यूजन के साथ में भी जा सकते हैं।
इस फोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो आपको बिल्कुल भी मोटो G60 की तरह देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो भाई दोनों ही काफ़ी अच्छे फीचर वाले फ़ोन हैं, जहाँ पर आपको अच्छे कैमरास भी मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और तो और दोस्तों सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट का जो अगला फोन है ये एक ऑलराउंडर टाइप का फोन है, जहां पर आपको किसी भी मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि 4G है लेकिन आपको परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और तो और दोस्तों यहां पर आपको अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये फोन है यहाँ Redmi Note 10 Pro। फोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलने वाली। और दोस्तों ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी आता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिजाइन की यार, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन A+ है, जहाँ पर आपको डिजाइन कितना अच्छा दिया गया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाती है। और ये फोन आता है ट्रिपल गार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों MIUI 13 बग फ्री हो चुका है, आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफ़ी कम मिलते हैं और एड्स वगैरह की शिकायतें भी उतनी नहीं आती हैं, तो ओवरऑल फोन का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर AMOLED पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये डिस्प्ले HDR 10 सर्टिफाइड है और इसके अलावा यहां पर आपको 1200 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में फोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ मिल जाती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का काफी अच्छा मिल जाता है और कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की काफी अच्छी है, आपको यहाँ पर इमेजेस काफी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से 30fps तक, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30fps तक। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, जो कि काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं और फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाती है। और गेमिंग की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 3 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में फोन में कोई भी शिकायत नहीं आती है। गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी देती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 16,000 रुपए। वैसे दोस्तों सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन आपको अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर मिल जाता है, तो अगर आप यहाँ पर ऑलराउंडर टाइप का एक तगड़ा फोन ढूंढ रहे थे तो आप इस फोन की तरफ भी जरूर जा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। और गाइस ये एक ऐसा फोन है जहां पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस दी बेस्ट मिलती है। दोस्तों ये स्मार्टफोन यहां पर रियलमी का 8 4G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो काफी स्लिम प्रोफाइल फोन है ये स्मार्टफोन, आपको मिलता है 8 mm की थिकनेस के साथ में। फोन का वेट है 177 ग्राम, साथ ही में प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और काफी स्लिम है, तो इन हैंड फीलिंग के लिए फोन काफी अच्छा रहता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की गाइस। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही में 1.8 का अपर्चर आपको मिलता है।
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा, सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का काफी अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती है दोस्तों, आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो गाइस यहाँ पर भी आप अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से अप टू 30 FPS, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो कैमरा दोस्तों फोन के काफी अच्छे हैं। बात करें यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साथ ही में 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, तो आपको यहाँ पर Realme का UI 2.0 मिलता है, जहाँ पर थोड़े मोड़े बग्स और थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। सो भाई यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर भी अच्छा ही मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की एक सुपर AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है और HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले दोस्तों काफी अच्छी है। गेमिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट, लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहां पर मिल जाती है। सो भाई देखा जाए तो डिस्प्ले यहां पर आपको काफी अच्छी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहां पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो भाई इस फोन के अंदर दिया गया है MediaTek का Helio G95 चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर आता है, लेकिन आपको गेमिंग काफी अच्छी कराता है और डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। मल्टीटास्किंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी इजीली कर सकते हैं, साथ ही में UFS 2.1 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है और LPDDR4X की रैम आपको मिलती है। तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 30W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, और दोस्तों कंपनी यहां पर क्लेम करती है कि 65 मिनट्स यानी दोस्तों 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये जो स्मार्टफोन है ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो भाई अगर आप यहां पर अच्छी इमेज क्वालिटी के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस, अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर यूं कहें कि आपको यहां पर एक लाइट वेट स्मार्टफोन भी लेना है दोस्तों, तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन जनरली आपको 16,000 रुपये की प्राइस पर मिलता है, लेकिन सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन आपको 12 से 13,000 रुपये की प्राइस पर देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन अगर आप कैमरास वगैरह के लिए लेना चाहें तो ये फोन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी लेकिन एक 5G फोन की, और तो और दोस्तों ये स्मार्टफोन एक नॉन चाइनीज फोन है, लेकिन आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दे देता है, अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और साथ ही दोस्तों फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी अच्छी निकाल कर देता है। ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। चलिए शुरू करते हैं फोन के कैमरा से। बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलने वाली है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा, और सामने की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का यहाँ पर थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट फोटोज एक ही क्लिक पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर HDR एक्सपोजर और सैचुरेशन वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी मिलती है, काफी डिटेल रहती है, तो वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बैक कैमरा से अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 FPS। सो भाई देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर भी है भाई, तो आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी मिल रही है, ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और साथ ही ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आएगा, जहाँ पर आपको मिलता है UI 4.1। तो सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, साथ में आपको यहाँ पर सैमसंग की ऑफिशियल नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक TFT LCD पैनल, साथ ही में अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। हालांकि TFT पैनल है दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट, और ये चिपसेट बना हुआ है 8nm पर, लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, आप यहाँ पर हैवी गेमिंग वगैरह भी काफी इजीली कर पाते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात कर ले पावर हाउस की दोस्तों, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी,
और 25 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल भी ख्याल में रखिएगा। तो भाई बैकअप तो आपको अच्छा निकाल कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पर एडेप्टर को अलग से परचेस करना पड़ेगा, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। और भाई सैमसंग का फोन है तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको अच्छे कैमरास, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों 4GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए जनरली आपको यहाँ पर 16,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, लेकिन सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन भी आपको अंडर 14,000 रुपीस की प्राइस पर मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो फोन अच्छा है, अच्छे फीचर के साथ में आता है, चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो गाइस ये थे वो कुछ तगड़े स्मार्टफोन जहां पर आपको अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहां पर फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाएंगे और परफॉर्मेंस में भी आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और दोस्तों सभी के जो बेस्ट फाइलिंग्स है यार वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।